जमील अहमद, दिनेश पुत्र, मनोज कुमार सनूप शिवराम गुप्ता, हरिओम सनूप सियाराम, पिंटू शर्मा। अरे घर में हाथ पैर टूटे पड़े हैं। अच्छा, ये गांव जो है गोद लिया गया था उसके बाद आप लोगों को? ये गोद अंसल भरमा लियो तीन गोद, कुछ आपको एक बार आए थे, फिर अब दोबारा आए हैं, कुछ भी नहीं दिया हमको। ये खजुरहारा ग्राम है, सुरसा ब्लॉक के अंतर्गत, और अंशुल वर्मा जी ने इसे गोद लिया है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो जमीनी नहीं मिल पा रही हैं, गलियाँ बहुत ही गंदी हैं और सड़कें बहुत ही जर्जर हो गई हैं, और जो बनाने वाले भी आते हैं गड्ढे वड्ढे थोड़ा बहुत बंद करके चले जाते हैं, ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। कॉलोनी के नाम पर जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उन लोगों को कॉलोनियाँ मिल रही हैं, और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनको कॉलोनियाँ नहीं मिल पा रही हैं। जैसे हम ही एक जर्जर कोठरी में रह रहे हैं जिसमें कई जगह दरारें पड़ी हुई हैं, इसी समय कोई हादसा हो सकता है और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए। और शौचालय की व्यवस्था ये है कि जो यहाँ पर दलाल उनके लगे हुए हैं लोगों के, वो दलाल लोग जो हैं जिनके पास उनके पास जो जाते हैं उनकी ज़्यादा मदद करते हैं, और किसी के में बालू ज़्यादा लगाते हैं, किसी के में सीमेंट ज़्यादा लगाते हैं, इस तरह की गुणवत्ता के शौचालय भी नहीं बन पा रहे हैं। तो बनी हुई है, 3 साल से बनी हुई है, टंकी का पानी सब जगह नहीं भी पहुँच पा रहा है। गाँव में अभी बहुत जगह नल पड़े हुए हैं, बहुत जगह नहीं भी पड़े हुए हैं, कई गलियारे ऐसे भी हैं जहाँ नल नहीं पड़े हुए हैं, बदहाल व्यवस्था है, टंकी का पानी भी मिल नहीं पा रहा है। स्कूल की व्यवस्था ये है, पढ़ाई की व्यवस्था, उसमें पढ़ाई में गुणवत्ता पर परीक्षा नहीं हो पा रही है पढ़ाई। पानी भरा हुआ है, नल के पास में हैंडपाइप लगा हुआ है, जहाँ चौकी भी नहीं बनी हुई है, और गांव का पानी नाली का निकास ठीक प्रकार का नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो पानी, गंदा पानी जो है नल के अंदर जा रहा है, बच्चे पियेंगे, बीमार पड़ सकते हैं। खजुराहा गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत श्री अंशुल वर्मा जी द्वारा वोट दिया गया है। इस गांव की कुल जनसंख्या 16,921 और परिवार संख्या 2,258 है। हमारे पंचायती राज विभाग से प्रमुखता पेयजल सुविधाओं के रखरखाव और इनके रिवोर आदि का कार्य किया जाता है, साथ ही पाइप पेयजल परियोजनाएँ निर्माण जलिगम द्वारा कराया जाता है, लेकिन उसका अंत में अधिग्रहण हमारे पंचायतों द्वारा किया जाता है। खजुराहा गांव में प्राय शिकायत रहती थी कि वहाँ फ्लोराइड आर्सेनिक के कारण जो हमारे इंडिया मार्क का हैंडपम्प है उनका जल भी शुद्ध नहीं रह गया, पेयजल योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के नाम पर एक टंकी की स्थापना की गई है और टोटी के जरिए वहाँ पानी सप्लाई हो गई है। 1,999 लाभार्थियों के लिए 12,000 रुपये की दर से धनराशि आवंटित की गई थी। ऑलमोस्ट सभी शौचालयों का निर्माण हो चुका है। आईसी गतिविधियों के माध्यम से और कई बार बैठकें आदि करके जन जागरूकता फैलाते हुए उन्होंने प्रयास किया कि लाभार्थी या गांव के लोग अधिकाधिक संख्या में या सब प्रतिशत संख्या में शौचालयों का उपयोग करें। शेष आंतरिक गलियों की मरम्मत, नई गलियों को का सुदृढ़ीकरण, ये कार्य हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना का अंश है और हम पूरी मनोयोग के साथ ये कार्य कर रहे हैं। क्या आवासों की क्या स्थिति है? आवासों का वितरण ग्राम विकास विभाग की तरफ से होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना इस समय संचालित है। 2011 की अस्थायी पात्रता सूची या शेष सूची के आधार पर जनपद में जो आवासों की उपलब्धता है, जितना आवंटन है, उसके अनुरूप यहाँ जिला ग्राम विकास विभाग से आवास का आवंटन किया जा रहा है। मेरी जानकारी में जिन लाभार्थियों को आवास आवंटित थे, लगभग सारे आवास मिल चुके हैं।